गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू बीइंग अवेयर। बीइंग अवेयर के इस वीडियो में हम आज ज्योग्राफी के, भूगोल के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे और ये प्रश्न आपके आने वाली सभी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण होगा, MPPSC 2019, MPSI, व्यापम और SSC। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना न भूलें, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सी भारतीय नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी को जो है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और जब गंगा इसमें आके मिल जाती है तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ठीक है। और जब इसमें मेघना नदी आके मिल जाती है, ठीक है, मेघना नदी जब इसमें मिल जाती है तो ये पूरी नदी को मेघना कहा जाता है, ठीक है। और फिर ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डंकन पास कौन से राज्य संघ शासित क्षेत्र में स्थित हैं? तो डंकन पास जो है वो अंडमान और निकोबार में स्थित है, और यदि उसमें भी क्लेरिटी करें तो अंडमान द्वीपों के मध्य स्थित है। सबसे ऊपर है नॉर्दर्न अंडमान, फिर मिडिल अंडमान में सेडल पीक है, सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की, और फिर साउथ अंडमान, फिर आता है लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में डंकन पैसेज है, ठीक है ना। डंकन पैसेज साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य है, और उसके बाद आता है निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आता है कार निकोबार, ठीक है ना। तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान के मध्य है 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना। कार अंडमान के बाद तसारा द्वीप आते हैं, फिर लिटिल निकोबार आता है, फिर ग्रेट निकोबार आता है, ठीक है ना। तो ये इसके द्वीपों का क्रम है, और यहाँ पर वो सेंटिनलीज द्वीप पाया जाता है, जहाँ पर सेंटिनली जनजाति के लोग रहते हैं, जिसका जो अभी मैटर चल रहा है ना, जिसमें एक पत्रकार गैरकानूनी तरीके से वहाँ पर चले जाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं, तो वही सेंटिनलीज द्वीप यहीं पर है, और यहीं पर सेंटिनली जनजाति निवास करती है, ठीक है। और ये अभी इंसानों की मुख्य धारा में नहीं है, इनका जीवन अभी भी पुराने तरीके से ही व्यतीत होता है। तो ये हमने देख लिया 10 डिग्री चैनल, और यदि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पगला दिया बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहली बात, पगला दिया नदी है ये, ठीक है। तो ये कहाँ की नदी है? तो ये है असम में नदी। किसकी सहायक नदी है ये? तो ये है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो ब्रह्मपुत्र की और कौन सी सहायक नदियां हैं? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है, सहायक नदियां आपको ये तो ऑन टिप्स होनी चाहिए। ब्रह्मपुत्र की और भी है, जिया भरेली है, पगला दिया, फिर उसके बाद सियांग, कामेंग, सुबनसिरी, पुथुमारी, मानस, सकोशा, लोहित, दिबांग, दिहांग, धनसिरी, दुधानी, ठीक है। तो ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, आप इसको प्लीज़ नोट कर लें। ये हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस होते हैं ट्रिब्यूटरीज का पूछा जाना। तो देखिए, आप है ना सिंपली वीडियोस को देखा ना करें। आपको यदि कोई चीज़ आपके इंपॉर्टेंट लगती है और यदि आपकी बुक में वो अवेलेबल नहीं है, तो आप प्लीज़ उसको वहाँ पर बुक में वो चीज़ को ऐड करें, है ना। नहीं तो ऐसे तो ढेर सारी नई चीज़ें हैं जो आपकी बुक में नहीं होगी, क्योंकि कोई भी एक बुक पूरी कंप्लीट बुक नहीं होती है ना। तो आप इन चीज़ों को उसमें ऐडअप करें तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, बुक या फिर जो कॉपी आप जिसमें पढ़ते हैं, जिस भी नोट से पढ़ते हैं उसमें इसको ऐडअप प्लीज़ कीजिएगा, है ना।
और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस चैनल के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप पृथक हुए हैं? तो ये 10 डिग्री चैनल द्वारा है, ये भी हम देख चुके हैं। और 9 डिग्री चैनल किन के मध्य स्थित हैं? तो ये लक्षद्वीप में स्थित हैं, ठीक है, ये लक्षद्वीप में स्थित हैं। और 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है? तो 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में है, ठीक है ना। ये है लक्षद्वीप और ये है मालदीव्स के बीच में जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल कहलाता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोमासिला बांध किस राज्य में स्थित है? तो सोमासिला बांध जो है वो आंध्र प्रदेश में है और ये पेन्ना नदी पर स्थित है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यू मूरे द्वीप विवाद भारत के किस पड़ोसी देश के साथ है? तो न्यू मूरे द्वीप विवाद भारत बांग्लादेश के मध्य है, ठीक है। ये सेडिमेंट्स से बना हुआ है जो गंगा डेल्टा बनाती है, तो मतलब नदी जब विलीन होती है समुद्र में तो अवसाद लाती है और वो अवसाद जब जमा हो जाते हैं तो उसे डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो उसी से एक द्वीप बना है न्यू मूरे द्वीप और ये विवाद है भारत और बांग्लादेश के मध्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? बहुत ही सरल प्रश्न, मध्य प्रदेश से गुजरती है। ये कुल भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, अगला है झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो 8 राज्यों से जाती है, 3, 6 और 2 उत्तर पूर्व के, ठीक है। 8 राज्यों से ये होकर जाती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट आस्ड, ठीक है। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। राउरकेला शब्द की उत्पत्ति रूर वैली से हुई है। तो ये रूर वैली क्या है? देखो, रूर वैली ये जर्मनी में स्थित है, ठीक है। ये भी मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं, इसीलिए रूर वैली फेमस है और उसी से शब्द निकला है राउरकेला। तो ये जर्मनी के उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे गोवा की फैनी कैपिटल कहा जाता है? तो ये सतारी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये सतारी जो है ना, ये फेमस है गोवा फैनी के लिए, है ना। गोवा फैनी कहाँ से बनती है? ये काजू का पेय पदार्थ है, ठीक है, जो कि काजू से बनता है और बहुत फेमस है, ये गोवा में ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का 90% रबर केरल में पाया जाता है और इस वर्ष केरल में बाढ़ की वजह से उसमें 14% की गिरावट आना तय है, जिससे टायरों के भाव बढ़ सकते हैं क्योंकि आयात करना पड़ेगा। तो गाड़ी में टायर ख़राब हो रहा हो तो बदलवा लो, नहीं तो भाव बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलमाटी बांध किन 2 राज्यों के मध्य कृष्णा नदी पर विवाद है, ठीक है ना। तो अलमाटी बांध जो विवाद है वो बेसिकली 3 राज्यों के मध्य है। तो पहला तो उसमें आता है आंध्र प्रदेश, दूसरा आता है कर्नाटक, ठीक है ना, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और तीसरा आता है महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र भी इसमें इंक्लूड है। तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा नदी जैसे मैंने बताया, जहाँ पर भी नदी का जिक्र हो ट्रिब्यूटरीज़ पहले याद कर लिया करो। कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ पर है, ठीक है। तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ पर है ये आप कमेंट में लिख के बताइए मुझे, ठीक है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी है? ट्रिब्यूटरीज़ है इसकी भीमा, डोंडी, मूसी, फिर चंद्रप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, कोयना, वीना, है ना। तो ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं। तो ट्रिब्यूटरीज़ ऑन टिप्स होना चाहिए जैसे मैंने बताया आपको। और कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ होता है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
त्रिपुरा बांग्लादेश से कितनी तरफ से घिरा हुआ है? देखो त्रिपुरा जो है ना तीन तरफ से घिरा हुआ है, ये बस पूर्वी ओर से खुला हुआ है, तो उत्तर से भी घिरा है, दक्षिण से भी घिरा है और पश्चिम से भी घिरा है। दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, ये बांग्लादेश है, ये त्रिपुरा है, ठीक है ना। सॉरी, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ये केरल में स्थित है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अध्यारोपित नदी द्रोणी है? तो अध्यारोपित नदी द्रोणी, पहला तो सवाल यही है कि क्या होता है। देखो जो देखो मैं छोटा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं जाएंगे, नहीं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो देखो अध्यारोपित नदी क्या होती है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है अध्यारोपित, अध्यारोपित का इंग्लिश में होता है सुपर इम्पोज्ड, ठीक है, अध्यारोपित का इंग्लिश में होता है सुपर इम्पोज्ड, ठीक है ना, सुपर इम्पोज्ड है ये। तो जैसे कोई नदी ये जा रही है, इसने अपना एक पाथ बनाया हुआ है, ठीक है, अभी इस पाथ को छोड़ के किसी दूसरे पाथ को चली जाती है, ठीक है, और वो पाथ इस पाथ से अलग नहीं होता है, ठीक है ना, किसी वे में ये सेम पाथ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड पाथ या अध्यारोपित नदी द्रोणी। और ये मध्य प्रदेश में चंबल में है, और बनास भी है, इसमें दो ऑप्शन है, ठीक है ना, बनास खुद अध्यारोपित नदी का है, और है दामोदर नदी है और स्वर्णरेखा नदी है, ठीक है ना, ये एग्जांपल हैं इसके अध्यारोपित नदी द्रोणी के, ठीक है ना। और इसके नदी द्रोणी के चार टाइप्स NCERT में दिए हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए एग्जांपल्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राज्य केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये तमिलनाडु है ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक शुद्ध सिंचाई वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक शुद्ध सिंचाई है ना, नेट इरिगेशन वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो गंगावरम बंदरगाह है, और या फिर इससे पहले कृष्णापत्तनम बंदरगाह हुआ करता था, ठीक है, अभी गंगावरम बंदरगाह है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह होगा JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल। तो जो है ये कंटेनर टर्मिनल जो होते हैं उसकी टर्म्स में सबसे बड़ा है, कार्गो हैंडलिंग में विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम पोर्ट सबसे बड़ा है बंदरगाह। और वेसल ट्रैफिक के यदि उसमें बात करें तो कलकत्ता और हल्दिया वाला जो बंदरगाह है वो बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो ये रेफरेंस टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1974 में किस देश को भारत में कच्चा तीवू द्वीप सौंप दिया गया? ठीक है, तो कच्चा तीवू द्वीप जो है वो श्रीलंका को सौंप दिया गया था 1974 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय रसायन लैब पुणे में स्थित है और राष्ट्रीय भौतिकी लैब दिल्ली में स्थित है, ठीक है, भौतिकी लैब दिल्ली में, रसायन लैब पुणे में है। निशी जनजाति किस उत्तर पूर्वी राज्य में निवास करती है? निशी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से निवास करती है, और यदि अरुणाचल प्रदेश की अन्य मुख्य जनजातियों की बात की जाए तो वो है निशी, निशी के बाद आपातानी, मोनपा, मिशमी है ना, सांगपो, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? अंडमान एंड निकोबार का सबसे अधिक क्षेत्रफल है, लक्षद्वीप का सबसे कम है, ठीक है ना, लक्षद्वीप का सबसे कम क्षेत्रफल है और सबसे अधिक है अंडमान और निकोबार का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किरीबुरु
मेघातुबुरु खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? बड़ा ही विचित्र नाम, और ये लौह अयस्क के लिए है और ये झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और कुछ सुझाव है तो कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।